घरों से निकला, जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे घरों से निकले वो क्या हो गए, वो हमारे बकेट में फुल हो गया, हमारा बकेट उनसे भर गया। अगर आप अपने घर में देखो कि आप कितनी फैमिली मेंबर्स हो, ठीक है, अगर आप पांच फैमिली मेंबर्स हो, पांच फैमिली मेंबर्स के पांच रूम्स है, हर किसी रूम से अगर आप बकेट रखोगे वहां पे, आप देखोगे कितना गार्बेज निकलेगा, कितना वेस्ट निकलेगा। तो अगर आप देखोगे कि हमारी जो सिटी होती है, हम सिटी में रहे या अगर हम जो टाउन्स में रहते हैं जो लोग, ठीक, या जो लोग विलेजेस में भी रहते हैं, अगर आप देखोगे वहां पे वो बकेट्स में जब वो गार्बेज कलेक्ट करेंगे, जब वो वेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करेंगे, तो वो जो बकेट है उसमें कितना ज्यादा गार्बेज आएगा, ठीक है। तो उससे हमें पता चलेगा कि गार्बेज जो भी जेनरेट हो रहा है हमारे घरों से, वेदर हमारे ऑफिस से जेनरेट हो रहा है, हमारे स्कूल से जेनरेट हो रहा है, वो कितनी ज्यादा क्वांटिटी में, यानी उनकी मिकदार कितनी ज्यादा है। अगर आप देखोगे हम जो है, हम एटलीस्ट हर किसी दिन एक पहाड़ के जितना जितना पहाड़ होता है उतने ही जितना गार्बेज हम जो है जेनरेट करते हैं एक दिन में। अब आप अंदाजा लगाओ कि हम कितना ज्यादा गार्बेज जो है वो अपने घरों से निकालते हैं एक दिन में। अगर हम एस्टिमेट करेंगे एक दिन में माउंटेन यानी पहाड़ के जितना जो होता है, जो गार्बेज होता है हमारे घरों से, जो हम कलेक्ट करेंगे स्टी, अगर हम देखेंगे स्टी में हर किसी घर से अगर हम एक दिन का गार्बेज कलेक्ट करेंगे तो एक पहाड़ बनाएगा वो गार्बेज। अगर या आप यहाँ पे साइड में देखोगे फिगर 16.7 में, वहां पे आप देख रहे हो कि वहां पे कितना ज्यादा गार्बेज जो है उसको डंप किया गया है, ठीक है। आप वहां पे देखिए सब ये वाली फिगर, यहाँ पे देखिए ये वाली फिगर, यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना ज्यादा गार्बेज जो है वो कलेक्ट किया गया है एक जगह पे, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर हमें कोई भी ऐसा चीज जिससे हमें ज्यादा वेस्ट निकलता है और हमें जरूरत नहीं है वो चीज, तो हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और अगर हमें कोई भी चीज ऐसा जिसे हमने देखा था वर्मी कंपोस्टिंग का प्रोसेस, ठीक है, जहां पे हमने देखा कि हम जो किचन से जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उससे हम क्या कर सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, ठीक है, जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले सोच सकते हो कि हाँ हमें क्या करना है इस चीज का, उसके बाद आप फेंक सकते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्लास्टिक्स बून और एकर्स, इसका मतलब क्या है, जो भी आप प्लास्टिक्स के प्रोडक्ट्स देखते हो क्या वो एक बून है, मतलब बून का मतलब होता है यूजफुल प्रोडक्ट है हमारे लिए, या कर्स है, कर्स मतलब होता है जो एक ऐसा हम बोलते हैं जो हमें हार्म करता हो, ठीक है, हम कर्स बोलते हैं उसको। बून होता है जो यूजफुल हो और कर्स होता है जो हमें हार्म दे, ठीक है। सब नजर रखेंगे, some kind of plastics can be recycled but not all of them. Did you notice that polythene bags and some plastics did not rot in activity one? You might now easily understand why polythene bags create a big problem in garbage disposal. अगर आप देखोगे कुछ ऐसे प्लास्टिक्स के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते, यानी फिर से हम उनको हम बोलेंगे कि हम उनको ऐसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जो हमें जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसका जो फायदा हम ले रहे थे बराबर वही फायदा देगा, ठीक है। लेकिन सारे जो होते हैं प्लास्टिक के प्रोडक्ट उनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। आपने जो एक्टिविटी वन की थी याद है सबको, एक्टिविटी वन में हमने क्या किया था, हमने कुछ मटीरियल ये था वेस्ट प्रोडक्ट उसको चार ग्रुप्स में डिवाइड किया था, राइट। पहले तो हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, फिर चार हीप्स बनाए थे उनके, याद है सबको वो एक्टिविटी, सबको याद है, जहां पे हमने दो ग्रुप्स में रखे थे, एक में हमने वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, बचा हुआ खराब खाना रखा था, दूसरा ऐसा था जहां पे हमने प्लास्टिक की चीजें रखे थे। हमने देखा था कि जो प्लास्टिक की चीजें थे वो रॉट नहीं हो गए, वो डिकम्पोज नहीं हो गए, वो वहां से हमें बहुत बदबू आ रही थी, आपको याद है वो? यस मैम। यू माइट तो अगर आप देखोगे आप लोगों ने वहां से समझा होगा कि पॉलीथीन बैग्स जो होंगे वो क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्यों, क्योंकि वो रॉट होते ही नहीं, वो डिकम्पोज होते ही नहीं है, वो डिस्पोज हम कर ही नहीं सकते हैं। दैट इज वाई हम बोलते हैं कि जो वो पॉलीथीन बैग्स है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। इट मे बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू इमेजिन आर लाइफ विदाउट प्लास्टिक्स। Shall we list a few things we use that are made of plastics? Toys, shoes, bags, pens, combs, toothbrushes, buckets, bottles, and water pipes. The list is very long.
Can you name a few parts of our bus, car, radio, television, refrigerator, and scooter that are made of plastics? अब देखो कि अब हमारे लिए अगर हम देखेंगे जो हम रोजमर्रा की लाइफ जो है हमारी हमारे लिए जो प्लास्टिक के बगैर रहना इट इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि प्लास्टिक का हम यूज बहुत सारी जगहों पे करते हैं ठीक है अगर हम लिस्ट बनाएंगे जहां जहां पे प्लास्टिक का यूज करते हैं आप अगर अपने टॉयज देखोगे ठीक है आपकी जो टॉयज होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं शूज ठीक है आपकी जो जूते या जो आपके स्कूल बैग्स भी होते हैं दे आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक या पेन्स अगर आप देखोगे ठीक है वो भी प्लास्टिक कॉम ठीक है हम कंगा बोलते हैं उससे भी अगर आप देखोगे वो भी प्लास्टिक का बना होता है इवन जो आप टूथब्रश यूज करते हैं वो भी प्लास्टिक का बना होता है जो भी बकेट्स या इवन जो हम डस्टबिन भी यूज करते हैं घरों पे दे आर आल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स ठीक है वो भी प्लास्टिक्स के ही बने हुए होते हैं इसके अलावा बॉटल्स ठीक है वाटर बॉटल्स आपकी ठीक है जो आप यूज करते हो या जो वाटर पाइप्स होते हैं ये सारे प्लास्टिक के बने हुए होते हैं इसके अलावा भी अगर आप कुछ चीजें देखो ये जो प्लास्टिक के बने होते हैं क्या क्या प्लास्टिक के बने होते हैं जो आप यूज करते हैं अपने घरों में कौन बोलना चाहेगा चाहे बस का कोई पार्ट जो प्लास्टिक का बना होता है अगर आप टायर्स वगैरह देखोगे ठीक है कार्स में जो होते हैं या रेडियो इवन जो रेडियो के ऊपर कवरिंग होती है वो भी प्लास्टिक की बनी हुई होती है आप टेलीविजन देखो वो भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं ठीक है तो बहुत सारी चीजें अगर हम देखेंगे लिस्ट एक बहुत बड़ा बन जाएगा अगर हम प्लास्टिक की चीजें देखेंगे जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज करते हैं ठीक है जो भी हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में प्लास्टिक की चीजें तो उनका जो लिस्ट है वो काफी ज्यादा बन जाएगा काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और इन सब चीजों के बगैर आप खुद ही सोचो अगर हम ये सारा प्लास्टिक ही यूज करना बंद करेंगे कितना डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए लाइफ गुजारना टूथब्रश जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ठीक है अगर हम देखेंगे इसके अलावा पेन ठीक है जिससे हम लिखते वगैरह वो भी बहुत ज्यादा यूजफुल है इवन शूज जो हम जूते तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें लगाने तो उनमें भी प्लास्टिक का बना हुआ होता है ठीक है दे आर ऑल मेड अप ऑफ प्लास्टिक The use of plastic in itself might not create so much of a problem. Problems arise when we use plastics excessively and are ignorant about ways of disposing their waste. This is what it is happening all around us. We might even be acting irresponsibly, knowing well what it is harmful effects. अगर आप देखोगे जो भी हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं अपने घरों में ये हमेशा प्रॉब्लम नहीं हमारे लिए क्रिएट करेगी प्रॉब्लम कब क्रिएट करेगी हम जब यूज करते हैं प्लास्टिक का तब प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है जब हम एक्सेस में प्लास्टिक को यूज करते हैं यानी जब हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं प्लास्टिक जितना हमें यूज करना हम कई ज्यादा उससे ज्यादा यूज करते हैं इसके अलावा अगर हम क्या करेंगे प्लास्टिक को जब हमें डिस्पोज करना होगा जब हमें प्लास्टिक को मैनेज करना होगा हम प्रॉपरली मैनेज हम उनको डिस्पोज ही नहीं करेंगे हम इग्नोर कर देंगे हम इरेस्पॉन्सिबल रहेंगे उस केस में तो उससे क्या होगा उससे हमें काफी ज्यादा हम पे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं ठीक है जो ये प्लास्टिक्स है अगर हमने ज्यादा क्वांटिटी में यूज किया ज्यादा मकदार में यूज किया या अगर हमने इग्नोर ही किया इनका डिस्पोज करना ठीक है हमने क्या किया हमने जो भी घरों में प्लास्टिक यूज किया हमारे जो प्लास्टिक बकेट्स वगैरह होते हैं ठीक है अगर वो खराब हो जाते या कुछ उनमें होल्स होते जो हमें जरूरत नहीं लगते या बहुत सारी ऐसी चीज है अगर हम उनको डिस्पोज ही नहीं किया उनको हमने ऐसे ही रखा या हमने क्या किया हमने प्लास्टिक को जलाया जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो वहां से काफी हार्मफुल गैसेस निकलते हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह होते हैं तो उससे क्या होता है तो उससे क्या होता है उस सब से हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है तो इनको डिस्पोज करना काफी ज्यादा जरूरी है कि यहां तक सबको समझ आया यस मैम यस नेक्स्ट पेज निकालिए आप मैम नेक्स्ट पेज फिर उसके बाद लास्ट मतलब फिर उसके बाद खत्म हो गए हाँ हाँ वही नेक्स्ट लास्ट वाला पेज आप निकालिए एक सेकेंड वी ऑफन यूज Plastic bags to store cooked food items. Sometimes these bags may not be suitable for keeping eatables. Consuming food packed in such plastic bags could be harmful to our health. Many a time,
Many a time shopkeepers use plastic bags that have been used earlier from some other purpose. For some other purpose. Sometimes bags collected by rag pickers are also used after washing them. Use of such recycled plastic bags to keep food items could be harmful for our health. For storing eatables, we must insist on use of plastic bags that are approved for such a use. अगर हम देखेंगे हम क्या करते हैं हम प्लास्टिक बैग्स का यूज करते हैं जो भी खाना हम पकाते हैं पका हुआ खाना हम उसमें रखते हैं कभी कभार क्या करते हैं कभी कभार जो हमारी ये बैग्स होते हैं ये ईटेबल्स रखने के काम नहीं होते ये उसके सूटेबल नहीं होते ईटेबल्स मतलब जो भी हम खाते हैं जो खाने के लायक होता है उसको ईटेबल चीजें बोलते हैं ठीक है जो हम खा सकते हैं दे आर कॉल्ड एज ईटेबल्स तो जो ये ईटेबल्स होते हैं कभी कभार क्या होता है ये बैग्स जो होते ये सूटेबल नहीं होते कि हम इनमें ईटेबल्स रखें जब हम ये जो फूड है जो हमें कंज्यूम करना है जब इन प्लास्टिक बैग्स में इनको पैक करते हैं तो इससे क्या हो सकता है हमारा जो हेल्थ है हमारी जो सेहत है उस पर बुरा असर पड़ सकता है बहुत सारे शॉपकीपर्स क्या करते हैं जो उन्होंने प्लास्टिक बैग्स यूज किए होते किसी और काम के लिए फिर से वो यूज करते किसी और कस्टमर को उसमें क्या देते हैं जो भी उनको उनको चीजें जरूरत होती है उसमें दे देते हैं या कभी कभार क्या होते हैं जो बैग्स कलेक्ट करते हैं रैग पिकर्स कौन होते हैं रैग पिकर्स हम बोलते हैं जो रैग को कलेक्ट करते हैं रैग का मतलब होता है जो भी आप पुराना न्यूज़पेपर देखोगे ठीक है जो पुराने न्यूज़पेपर वगैरह कचरा वगैरह जो भी प्लास्टिक की चीजें होती है पुरानी वो क्या करते हैं वो कलेक्ट करते हैं उसके बाद उनको धोते हैं और उसके बाद फिर से वो शॉपकीपर्स उनको यूज करते और हमें उसी में चीजें दे देते हैं तो उससे क्या होगा उससे हमारा जो सेहत है उससे काफी ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है इससे ठीक है तो अगर हम ईटेबल्स को स्टोर करेंगे इनमें हमें कभी भी नहीं ईटेबल्स को स्टोर करना चाहिए जो भी हमें हमारी खाने की चीजें हमें कभी भी उनको प्लास्टिक बैग्स पे जो भी स्टोर नहीं करना चाहिए बल्कि हमें क्या करना चाहिए हमें शॉपकीपर को इंसिस्ट करना चाहिए उनको बोलना चाहिए कि हमारे जो ये चीजें जो भी हमें दे रहे हैं वो उन प्लास्टिक बैग्स में दे जो ऑलरेडी अप्रूव किए गए जिनको ऑलरेडी परमिशन मिली है कि हाँ इनसे कोई नुकसान नहीं हो सकता है हमें प्लास्टिक से तो नुकसान हो सकता है लेकिन उस लेवल का नुकसान नहीं हो सकता है तब जाके हम क्या कर सकते हैं तब जाके हम उन प्लास्टिक बैग्स का यूज कर सकते हैं ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक्स गिव आउट हार्मफुल gases upon heating or burning. These gases may cause many health problems, including cancer in humans. The government has also laid down guidelines for recycling of plastic. अगर हम देखेंगे जो सारे plastics होते हैं जो सारे तरह के plastics होते हैं जब हम उनको जलाते हैं या heat करते हैं तो वहां से जो gases निकलते हैं वो काफी ज्यादा harmful होते हैं हमारे लिए उससे काफी ज्यादा problems होती है health problems होती है अगर हम cancer की बात करेंगे जो humans में डिजीज होती है जिसका नाम कैंसर है इवन कैंसर भी किस वजह से हो सकता है कि अगर हमने प्लास्टिक की चीजों को जलाया वहां से जो गैसेस निकलते हैं उससे क्या हो सकता है उससे हमें हेल्थ प्रॉब्लम इससे अलावा कैंसर के अलावा अस्थमा भी होता है इससे ठीक है और भी कई कई डिजीजेस है जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारा जो अगर हम देखेंगे उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है ठीक है तो गवर्नमेंट क्या करता है उन्होंने बहुत सारे गाइडलाइंस यानी प्रॉपर स्टेप्स बोले हैं कि कैसे हमें प्लास्टिक जो है उसको हमें रिसाइकल करना है ठीक है उसको हम कैसे रिसाइकल कर सकते हैं You must have noticed that people often fill garbage in plastic bags and then throw it away. When stray animals look for food in these bags, they end up swallowing these. Sometimes they die due to this. आपने even notice भी किया होगा कुछ लोग क्या करते हैं उनके घरों से जो waste निकलता है वो क्या करते हैं वो इन्हीं plastic bags में वो रखते हैं plastic bags को फिर सड़कों पे फेंक देते हैं जिससे क्या होता है जो सड़कों पे animals जानवर होते हैं या आपने देखा होंगे बहुत सारे जो गाय होती है ठीक है जो सड़क पे होती है वो क्या करते हैं वो इन प्लास्टिक को खाते हैं फिर जब वो अपना खाना ढूंढ रहे होते हैं वो इन प्लास्टिक की चीजों को खाते हैं जब वो ये प्लास्टिक खाते हैं प्लास्टिक बैग्स खाते हैं उनसे क्या होता है उनकी जान भी जाती है उनको भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है इनसे ठीक है आपने देखा होगा कभी कभार आपने सुना भी होगा कि कोई जो काउ थी उसने क्या किया उसने प्लास्टिक का चीज बैग खाया सड़क पे और उसकी जान गई उससे यानी वो मर गई तो वो किस वजह से होता है वो इन्हीं प्लास्टिक बैग्स की वजह से होता है जो लोग कहां पे फेंक देते हैं जो लोग सड़कों पे फेंक देते हैं ठीक है The plastic bags thrown away carelessly on roads and other places get into drains and the
sewer system, sewer system. As a result, drains get choked and the water spills on the roads. During heavy rains, it might even create a flood-like situation. There's a lot of harm that too much use of plastic can do. अगर आप plastic bags की बात करोगे, अगर आप carelessly उनको सड़कों पे फेंकोगे या दूसरी जगहों पे फेंकोगे, तो वो उससे क्या होता है? किसी भी कारण से वो drains में चली जाती है. जब वो drains में चली जाती है, तो उससे क्या होता है? जो वहाँ पे जो sewer system, यानी जहाँ पे क्या रखा जाए, जहाँ पे wastage वगैरह होता है, तो वो वहाँ पे चला जाता है, वो सारा plastic bags, ठीक है? तो उससे क्या होती है? जो drains है, वो chalk हो जाती है. Chalk का मतलब क्या होता है? कि जो drains होती है, वहाँ से जो water flow कर रहा होता है, जो भी गंदा पानी flow कर रहा होता है, अगर हम देखेंगे, तो उससे क्या होता है? उसकी movement रुक जाती है. जब उसकी movement रुक जाती है, तो वो पानी जो है, वो इन drain से ऊपर आके roads में आ जाता है, सड़कों पे आ जाता है वो पानी. या जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो बारिश के टाइम में क्या होता है? फ्लड भी आ जाता है. आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि जो ये प्लास्टिक बैग्स वगैरह होते हैं, जो गार्बेज वगैरह होते हैं, ये सारा कहाँ पे जाता है? उन नालियों में जाता है. फिर वहां पे पानी जो है वो ऊपर ऊपर आ जाता है और सड़कों पे आ जाता है. और जब बारिश हो जाती है, तो वो ही पानी सड़कों पे आ जाता है, जिससे फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है? तो हमने देखा कि अगर हम प्लास्टिक बैग्स को यूज करेंगे, उससे क्या होता है? उससे काफी ज्यादा हार्म होता है, ठीक है? What can we do to minimize overuse of plastics and deal with garbage? अब हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, प्लास्टिक जो भी हम यूज कर रहे हैं, उसके यूज को हम मिनिमाइज करेंगे, यानी हम कम क्वांटिटी में यूज करेंगे, और जो भी गार्बेज निकलता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उनसे हम कैसे डील कर सकते हैं? Point first, we make a minimum use of plastic bags. We reuse the bags whenever it is possible to do so without any adverse effects. हम क्या करते हैं, जो भी plastic bags हम उनको कम quantity में use कर सकते हैं, या जो bags होते हैं उनको हम फिर से use कर सकते, जो use करने के लायक होंगे उनको हम फिर से use कर सकते हैं, ठीक है? तो इससे क्या हो सकते हैं, इससे जो भी इनके नुकसान है वो कम हो सकते हैं, plastic bag के use से जो भी नुकसान होते हैं हमें, वो कम हो सकते हैं. Point number second, we insist shopkeepers use paper bags. We carry a cloth or a jute bag when we go out for shopping. हम shopkeepers को जोर लगा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, उनको insist कर सकते हैं कि हमें जो भी आप चीजें दे रहे हो, वो आप हमें plastic bags में ना दे, बल्कि हमें आप वो paper bags में दे, जो bags paper के बने हुए होते हैं, उनमें आप दे. या अगर आप shopping के लिए बाहर जाते हो, आप उस time पे क्या कर सकते हैं, जो cloth कपड़े का बैग होता है या जूट का बैग जो बना हुआ होता है, वो आप ले सकते हो शॉपिंग के लिए. पॉइंट नंबर थ्री, We do not use plastic bags to store eatables. हम क्या करेंगे, जो भी plastic bags होते हैं, हम उनमें अपना जो eatables, यानी जो भी खाने की चीजें होते, वो हम उनमें store नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि अगर हम plastic bags में वो eatables रखेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे health को harm हो सकता है. Point number four, we do not throw plastic bags here and there after use. जब भी हम plastic bags use करेंगे, utilize करेंगे हमारे चीजों को store करने के लिए, या जो भी हमें इसके लिए भी हमें प्लास्टिक बैग्स यूज करने होंगे, यूज करने के बाद हम उनको सड़कों पे या इधर उधर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि उसके भी काफी ज्यादा नुकसान आते हैं, उससे फ्लड लाइक सिचुएशन आ जाती है ड्यूरिंग हेवी रेन के टाइम पे, ठीक है? पॉइंट नंबर फाइव क्या है? We never burn plastic bags and other plastic items. हम कभी भी क्या करेंगे, जो भी प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, या जो दूसरी चीजें हमारे पास, बकेट्स होते हैं, पेन होते हैं, या हमारे पास इसके अलावा टॉयज होते हैं जो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, हम कभी भी उनको नहीं जलाएंगे, क्योंकि अगर हमने उनको जलाए तो वहां से हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, जिससे हमारे हेल्थ को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है? पॉइंट नंबर सिक्स, we do not put garbage in plastic bags and throw it away. हम कभी भी अपना जो अगर हम देखेंगे गार्बेज या प्लास्टिक बैग्स में रख के उनको फेंकेंगे नहीं सड़कों पे. क्यों? क्योंकि जो भी जानवर वगैरह जो सड़कों पे खाना ढूंढते, तो वो प्लास्टिक बैग्स खा सकते हैं, जिनकी वजह से वो उनकी जान जा सकती है. पॉइंट नंबर सेवन, वी यूज वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विद आवर किचन वेस्ट यूजफुली. हम क्या कर सकते हैं, हम वर्मी कंपोस्टिंग मेथड यूज कर सकते हैं अपने घरों पे, और जो भी हमारे
किचन से वेस्ट निकलता है, जो भी बचा हुआ खाना निकलता है, जो भी वेजिटेबल पील्स फ्रूट पील्स निकलते हैं, उनसे हम केयरफुली क्या कर सकते हैं, उनसे हम वर्मी कंपोस्टिंग टेक्निक से कंपोस्ट मेन्योर बना सकते हैं, जिनसे हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छी खासी हो सकती है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था वर्मी कंपोस्टिंग मेथड क्या होता है, हम कैसे वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। पॉइंट नंबर 8, वी यूज रिसाइकल पेपर, हम रिसाइकल पेपर यूज कर सकते हैं, यानी अगर हम पेपर जो है जो भी हमने यूज किया है हम उनको रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं पेपर इंडस्ट्री में। ठीक है, पॉइंट नंबर 9, वी यूज बोथ साइड्स ऑफ द पेपर टू राइट, वी यूज अ स्लेट फॉर रफ वर्क, वी यूज ब्लैंक शीट्स ऑफ पेपर लेफ्ट इन आवर नोटबुक्स फॉर रफ वर्क। हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी नोटबुक्स होते हैं हम दोनों साइड के पेपर्स यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमें कुछ लिखना होगा तो हम दोनों साइड यूज करेंगे। इसके अलावा हम रफ वर्क के लिए क्या यूज कर सकते हैं, हम रफ वर्क के लिए यूज कर सकते हैं जो भी बचा हुआ पेपर होता है वो यूज कर सकते हैं, या इवन आपने देखा होगा रफ वर्क के लिए रिसाइकल्ड पेपर आता है। ठीक है, जो ब्लैक कलर की शीट्स होते हैं हम वो भी यूज कर सकते हैं अपने रफ वर्क के लिए। वी मेक आवर फैमिली फ्रेंड्स एंड अदर्स टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट। हम क्या कर सकते हैं, अपने फैमिली हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं या दूसरे लोग जो होते हैं उनको अवेयर कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि कैसे हमें डिस्पोज करना चाहिए वेस्ट को। ठीक है, प्रॉपर जगहों पे, या हम उनको ये भी बोल सकते हैं कि हमारे जो किचन से वेस्टेज निकलते हैं, हमारे जो वेजिटेबल पील्स फ्रूट पील्स या बचा हुआ खाना सड़ा हुआ खाना होता है उनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वर्मी कंपोस्टिंग मेथड से, वर्मी कंपोस्टिंग टेक्निक से, और उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम मैन्योर कंपोस्ट निकाल सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, जो हम फिर यूज करेंगे दूसरे प्लांट्स को ग्रो करने में, यानी अपना किचन गार्डन प्रिपेयर करने भी हमें वो हेल्प कर सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट point to know and think about is that more garbage we generate more difficulty it will be to get rid of it। और सबसे ज्यादा important point आपको ये याद रखना है कि आप जितना ज्यादा waste generate करोगे, आप जितना ज्यादा garbage generate करोगे तो हमारे लिए उतना ज्यादा difficult होगा कि हम उस garbage को properly dispose करें। ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा garbage आप generate करोगे और उससे क्या होगा, हमारे health को problems हो सकती है। ठीक है, अल्टीमेटली जो लोग हैं वही सफर करेंगे जो इस गार्बेज को जेनरेट करते हैं। सबको समझ आया, किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। अभी लीव कोई नहीं करेगा। ठीक है, मैं अटेंडेंस पहले करूंगी, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और भी बोलूंगी। ठीक, तो ये था हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया गार्बेज इन गार्बेज आउट में। ठीक, अब मैं क्वेश्चंस पूछूंगी किसी से, तो आप मुझे आंसर दें। अरवा, आप मुझे बोलिए वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है। अरवा, रूल नंबर 13, वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है, वर्मी कंपोस्टिंग मेथड हम किसे कहते हैं। जो भी बोलना चाहेगा वो अपना हैंड रेज करेगा। ठीक है, फिर मैं बोलूंगी कौन बोलेगा। वर्मी कंपोस्टिंग हम किसे कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग मेथड का मतलब क्या होता है। मैम, जो ये प्लांट्स को हम कंपोस्ट करते हैं। क्या क्या? जो हम प्लांट्स को सप्लाई करते हैं। किसको सप्लाई करते हैं? प्लांट्स को। नहीं नहीं मैं बोल रही हूँ वर्मी कंपोस्टिंग मेथड का मतलब क्या है, वो कौन सा प्रोसेस है, उसमें हम करते क्या है। सोफिया, आप बोलिए। मैम, वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब है जब हम अर्थ वर्म्स को यूज करते हैं या रेड वर्म्स को यूज करते हैं हमारा वर्मी कंपोस्टिंग तैयार करने में, और फर्टिलिटी, और उससे हमारे जो सॉइल है उसमें मैन्यूअर भी बनता है वर्मी कंपोस्टिंग से। ठीक है, मलिहा आप बोलिए। तो मैम, वर्मी कंपोस्टिंग में हम ऐसा करते हैं कि हम एक पेट डिग करते हैं और उसमें हम रेड वर्म्स का यूज करते हैं, जो कि अर्थ वर्म्स का एक हिस्सा होता है, जो कि हमारी सॉइल को फर्टिलाइज करने में हमारी मदद करती है, और उससे जो है हमारा सॉइल का मैन
भी बन जाता है, तो इस तरह से हमारा वर्मी कंपोस्टिंग का मेथड कंप्लीट हो जाता है। उससे हम उनके लिए कुछ खाना वाना भी रखते हैं, जैसे हमने इस टॉपिक में। जी, तो वर्मी कंपोस्टिंग वो मेथड होता है जहां से हम कंपोस्ट प्रिपेयर करते हैं, जहां पे हम रेड वर्म्स का यूज करते हैं। मलीहा ने जैसे बोला, रेड वर्म्स जो होते हैं ये अर्थ वर्म का टाइप होता है, तो हम रेड वर्म्स का यूज करते हैं और वहां पे हम कंपोस्ट को प्रिपेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, निदा जहरा आप मुझे बोलिए। Yes, ma'am. क्या हम कंपोस्टिंग से प्लास्टिक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें जो हमारे लिए हार्मफुल सब्सटेंसेस, लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे? क्या हम कंपोस्टिंग प्रोसेस से प्लास्टिक को कन्वर्ट कर सकते हैं लेस हार्मफुल सब्सटेंस में? कौन बोलना चाहेगा, हैंड रेज कीजिए। क्या हम कंपोस्टिंग प्रोसेस से प्लास्टिक को लेस हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कंपोस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम मैन्योर प्रिपेयर करते हैं कंपोस्टिंग प्रोसेस से। ठीक है, क्या हम प्लास्टिक का यूज करके यानी प्लास्टिक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कंपोस्टिंग प्रोसेस से? नो मैम, प्लास्टिक कहाँ होता है कंपोस्ट? राइट, प्लास्टिक जो होता है वो डिकम्पोज नहीं होता है, तो हम कंपोस्टिंग प्रोसेस से प्लास्टिक्स को क्या नहीं कर सकते हैं कन्वर्ट लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी, जिसको बोलना होगा आंसर, जिसको पता होगा आंसर वो रेज करेगा अपना हैंड। ठीक है, आप मुझे बोलिए हमने कौन सा ऐसा पढ़ा था कि जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, हमने इस चैप्टर में किस ऐसे प्रोडक्ट की बात। राइट पेपर, मैंने बोला था हाथ, ये हैंड रेज करना है, हैंड रेज करना है खाली, ऐसे मैस क्रिएट होता है क्लास में, जिसको भी आंसर पता होगा वो खाली हैंड रेज करेगा। ठीक है, तो मैं पिछले ये जो पिछला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट उसमें भी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी मैं, देखूंगी आपको याद है। आप मुझे बोलिए इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कौन बोलेगा इंसुलेटर्स? सोफिया अल्ताफ बोलिए आप। इंसुलेटर्स वो वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। राइट, एग्जाम्पल दीजिए दो, मलीहा आप दीजिए एग्जाम्पल दो इंसुलेटर्स की। मैम जो रबर के मटेरियल्स होते हैं मैम, उनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, या इसके अलावा जो प्लास्टिक्स के होते हैं। ठीक है, बाकी क्यों नहीं बोल रहे हैं, बाकी भी बोलिए। कंडक्टर्स क्या होते हैं, बस हैंड रेज कीजिए जिसको पता होगा, बाकी क्यों नहीं बोल रहे बाकी स्टूडेंट्स? बाकी स्टूडेंट्स बोलेंगे, खाली मलीहा और सोफिया आंसर कर रही है। निदा जहरा कुदसिया आप बोलिए, सलमान मोहम्मदी आप बोलिए, या अरवा भी हैं आप भी बोलिए। कंडक्टर्स क्या होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? यस, हाँ जी सोफिया आप बोलिए। कंडक्टर्स शायद नेटवर्क इशू है, अरवा को इसलिए नहीं आ रहा है प्रॉपरली। मैम वो वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, एग्जांपल की और आरएनए। मैम आप बोलू, मैम आप मेरी वॉइस आ रही है? हाँ मैम, कंडक्टर्स वो वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जी हाँ, तो कंडक्टर्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है?
नो मैम। हाँ जी, तो किसी को कोई क्वेश्चन है गार्बेज इन गार्बेज आउट चैप्टर में? कोई भी क्वेश्चन, कल हम इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? कल हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक? तो फिर मैं क्लास को एंड करती हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम, टेक केयर। अल्लाह हाफिज मैम, टेक केयर।